नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहन योजना की घोषणा किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में अधिकारियों को इस योजना का लाभ लाडली बहना को कैसे मिले, इसको लेकर आज इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल के अधिकारियों द्वारा इंदौर के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें लाडली बहना के कैसे समग्र आईडी, केवाईसी और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना और किस तरीके से फॉर्म भरना, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। महिलाओं को जून माह से इस योजना का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके तहत प्रत्येक महिला के खाते में 1,000 रुपये हर माह आएंगे। इस योजना को लेकर शासन और प्रशासन सहित नेताओं ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव मीणा राणा ने सभी जिलों के कलेक्टर और संभागायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टर और संभागायुक्त को योजना की जानकारी देते हुए ये भी बताया कि कैसे गांव और शहरों में के लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि आज प्रमुख सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाडली बहना योजना को लेकर विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस ट्रेनिंग में योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचाने और जरूरी कागजी कार्रवाई को किस तरह पूरा किया जाए, इसको लेकर जानकारी दी है। इस बैठक में इंदौर के संभागायुक्त के साथ ही कलेक्टर डॉक्टर एलैया राजा सहित तमाम विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद सभी अधिकारी अपने अपने कामों में जुट जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। स्टेट गवर्नमेंट की लाडली बहना योजना जो अभी आ रही है, उसके बारे में एक ट्रेनिंग आप कह सकते हैं कि पूरे स्टेट के जो कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं और जो अधिकारी हैं, उनको स्टेट पीएस मैडम अभी एक वीसी के माध्यम से उनको ट्रेन किया है कि इस योजना को कैसे बेस्ट हम क्रियान्वित कर सकें। उसकी आज एक सेंसिटाइजेशन कम ट्रेनिंग वर्कशॉप है। देखिए, ये कैसे गांव में कैंप लगाए जाने हैं, समग्र आईडी को कैसे ई केवाईसी करना है, अपडेट करना है, फिर आधार में अगर आवश्यकता है उसको कैसे अपडेट करना है, उसके बाद बैंक अकाउंट्स को कैसे डीबीटी अनेबल करना है, ई केवाईसी करना है या एक्टिव करना है, ये सारे जो अलग अलग 3 या 4 आयाम हैं उनके बारे में आज भोपाल से पीएस आईटी निकुंज श्रीवास्तव और पीएस डब्ल्यूसीडी दीपाली मैम ने ये वर्कशॉप रखी है और हमारे सारे ऑफिसर्स उसमें उसको अटेंड कर रहे हैं ताकि हम लोग इस एम्बिशियस जो योजना है इसको अच्छे से लागू कर सकें। देखो, अब ऑफ एंड अभी नहीं कह सकते हैं, जब आवेदन आएंगे, क्योंकि जो पात्र होंगे उनको दिया जाएगा और पात्रता आपको पता है एक उम्र इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 23 से 60, और उम्र के बाद विवाहित होना और कुछ स्थिति में अविवाहित को भी परमिटेड है या परित्यक्ता को, तो अभी जब कैंप्स लगेंगे, आवेदन आएंगे, तब एक्चुअल संख्या आपको बता पाएंगे। टाइम न्यूज़